देर आर समर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प बिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज़ इन किड्स फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ़ दैम इज़ एग ट्रांसफ़र इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कि आप एक एग लेते हैं और एक बच्चे दायरे में बैठ जाते हैं और हर बच्चा दूसरे बच्चे को एग देते हुए कोई नया काम करने को कहता है या कोई ख़ुद से कोई नई स्टोरी सुनाए कोई आ, नया एक्शन करके दिखाए और नए नए आइडियाज़ उससे सामने आते जाते हैं और फिर हर बच्चा अगले बच्चे को एक देता है फिर वो उसके ऊपर एक अच्छा सा टास्क बनाता है और जो पहले बच्चे ने दिया होता है वो टास्क करने की कोशिश करता है तो इससे एक फ़ौरी तौर पे एब्रप्ट जो थिंकिंग है और प्लानिंग है और एक एक्शन लेना या तीनों का एक सीक्वेंस जो बनता है ये बच्चों को बड़ा हेल्प आउट करता है फिर ये कि जो एग देने वाला है वो कौन से आइडिया को पसंद करता है और क्या नई चीज़ उसको बताने वाला है तो ये एक बड़ी अच्छी गेम बनती है फिर लेट्स चिल्ड्रन ड्रॉ दैमसेल्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन प्रजेंट दे प्रोजेक्ट टॉकिंग अबाउट देयर स्किल्स एंड ड्रीम्स अब बच्चे क्या करें एक खाली कागज़ के ऊपर अपनी तस्वीर बनाएँ अपनी तस्वीर ना सिर्फ बनाएंगे बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करेंगे मैं कौन हूँ मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ और ये कि मैंने अपने बाल कैसे बनाए हैं आ, मेरे कपड़े किस किस्म के होते हैं मेरे जूते क्या हैं मैं क्या फिर आगे मज़ीद अपने आप को फ़र्दर एक्सप्लेन करेंगे मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है और ये कि मुझे क्या अच्छा लगता है किस ओ, कौन सा दोस्त अच्छा लगता है कौन सी एक्टिविटी मुझे पसंद है और वो मुख्तलिफ़ तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि आप कौन हैं आप बहन भाइयों में आपकी कौन सी बारी है और आप किस बहन भाई को पसंद करते हैं और क्यों करते हैं ये जो क्यों का जवाब है ये बड़ा लॉजिकल है ना लॉजिकली बच्चे उसको चीज को आ, यू समझें इवेलुएट करेंगे तो तभी बताएंगे ना कि उनको क्यों कोई चीज अच्छी लगती है देन क्रिएट द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू अदर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन जैसे हमने अर्ज किया कि लिसनिंग की हैबिट एक तो यह है कि स्टोरी टेलिंग के जरिए हम बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं और स्टोरीज सिर्फ वही स्टोरीज जो देव मालाई किसे नहीं होते बल्कि हर वो बात जो सीक्वेंस और कोहरेंस के साथ बताई जाए बच्चों के लिए वो स्टोरी ही होती है आप अपने दिन भर की बताएंगे बात किसी और की दिन भर की बात बताएंगे कोई वाक्य बता देंगे तो वो बच्चे के लिए स्टोरी है वो गौर से सुनना वो उतनी देर आप हैरान होंगे कि बच्चे जो मुसलसल बोलना पसंद करते हैं और किसी की बात को नहीं सुनते जैसे ही आप उनको कहेंगे कि वह आप उनको स्टोरी सुनाने लगे हैं तो वो बड़ी तवज्जो के साथ उसको सुनते हैं आप स्टोरी सुनाने के बाद आप उस स्टोरी के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बारे में हल्के फुल्के सवाल उनसे कर सकते हैं ताकि उनकी कम्प्रिहशन को जाँचा जाए कि अच्छा शेर ने लूमड़ी से क्या कहा था और शेर ने लुमड़ी से क्यों कहा था जैसे जैसे आप सवाल की नौत को बढ़ाते जाएंगे वॉट से वाई पे आ जाएंगे तो बच्चे अब अपनी लॉजिक भी यूज़ करना शुरू कर देंगे फिर जैसे मैंने आज किया था सिर्फ यही लिसनिंग नहीं है कि आप स्टोरी टेलिंग करवाएं बल्कि लिसनिंग ये भी है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के बच्चों की बात को भी गौर से सुने तो जब कभी कोई बच्चा बोल रहा हो और दूसरे उसको नहीं सुन रहे तो हमें उसकी तरफ तवज्जो दिलानी है कि देखो फलां बात कर रहा है भला वो क्या बता रहा है ग़ौर से सुनिए और बताइए उसने किस बात का ज़िक्र किया तो जब दूसरों की बात सुनी जाएगी फिर हम उस पर कमेंट्स भी ले सकते हैं कि आपकी क्या राय है वो कितनी अच्छी सुजेशन दे रहा है या वो क्या बात कर रहा है इससे हमें और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है या खुद उसने ये बात क्यों कही है उससे उसको क्या फ़ायदा हो सकता है तो इससे बहुत सी एनालिटिकल एबिलिटीज बच्चों के अंदर पैदा होती हैं कि हमें क्या बात करनी है और किस मीनिंग के तहत करनी है और ये कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई मतलब है या होना चाहिए ताकि अगर अगला की बात की समझ नहीं आई है तो हमें वो बात करनी चाहिए कि जो जिसकी समझ आए तो एनालिटिकल एबिलिटीज यही होती हैं कि बच्चे उन्हीं के बेसिस पे फिर एवेलुएट करते हैं कि किसने दुरुस्त बात की है और कौन सी सुजेशन दी है या कौन सी स्टोरी सुनाई है उसके क्या कैरेक्टर्स थे वो क्या कहना चाहता था क्या वो अपने बारे में बता रहा था सो लिसनिंग की बहुत सी सूरतें हैं कुछ पैसिव लिसनिंग होती है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप सिर्फ सुनते हैं और कुछ आ, आपकी रिस्पॉन्सिव लिसनिंग होती है जिसमें आप लिसन करने के बाद छोटे छोटे सवाल खुद भी पूछते हैं या बच्चा पूछता है मसला आप उससे कह सकते हैं कि मैं आपको दिन भर की रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ लेकिन आप उन्हें साथ साथ बताते जाएंगे कि कहाँ मैंने ठीक किया था और कहाँ मैंने गलत किया था और आप उनको कुछ इस तरह की चीजें बताएं जिसमें कुछ गलत और सही हो और उनसे बोलें कि वो उसकी निशानदही करें सो so, हम उनके कॉन्सेप्ट को सेग्रीगेट करना चाहते हैं अच्छाई और बुराई की तरफ ताकि कल को अपने रियल लाइफ में वो इन चीज़ों को वाकई सेग्रीगेट करें और उनको अलग तरीक़े से सीखें